नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। बात करेंगे रेवाड़ी शहर की। रेवाड़ी में हुआ बड़ा हादसा, एक की जान गई। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रेवाड़ी की जो कोरोना अपडेट वो क्या है। देखिए, रेवाड़ी में कल 53 नए केस सामने निकल कर आए हैं, जिनमें से रेवाड़ी शहर से 32 केस सामने निकल कर आए हैं, बावल से 6 केस, कोसली से भी 4 केस सामने निकल कर आए हैं, बालधन कला व धारवेड़ा से तीन तीन केस सामने आए हैं, सहवाजपुर खालसा व गुगोड़ से भी दो दो केस सामने निकल कर आए हैं। इसी के साथ जलियावास बलवाड़ी में एक एक केस सामने निकल कर आया, मेंदोला व लिसाना में भी एक एक केस और आसलवास में भी एक एक केस सामने निकल कर आया। इस तरह हम टोटल देखे तो रेवाड़ी के अंदर कल 53 नए केस सामने आए हैं। इसी के बाद अच्छी खबर ये आई है रेवाड़ी से कि रेवाड़ी में कल 40 लोग ठीक होकर अपने घर वापस भी लौटे हैं, जिनमें से रेवाड़ी शहर में 25, दारवेड़ा में 12, बावल बरेली कला में एक एक और बिटवाना में भी एक एक व्यक्ति ठीक होकर अपने घर वापस लौटे। टोटल रेवाड़ी की अब हम बात कर लेते हैं। रेवाड़ी में अब टोटल केस हो चुके 2354। अच्छी खबर ये है कि 1987 लोग रिकवर हो चुके हैं। डेथ की बात करो तो 14 लोगों की मृत्यु हो चुकी, जो कि एक चिंताजनक विषय है। और एक्टिव केस मतलब 353 लोग ऐसे हैं जिनका अभी इलाज चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हरियाणा में टोटल केस हो चुके अब 44,404, रिकवर हो चुके 36,925, 509 लोगों की मृत्यु हो चुकी है हरियाणा में, और एक्टिव केस है 6,970। तो ये हरियाणा का। रेवाड़ी की मैं और खबरें आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको एक और बात बता देता हूँ, अच्छी खबर ये कि इंडिया का जो रिकवरी रेट, हमारे देश का जो रिकवरी रेट है वो 70% से भी ऊपर जा चुका है, जो कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। सड़क पर भिड़े सांडों ने ली एक की जान। मैं आपको बता देता हूँ, रेवाड़ी शहर के जो कायस्थवाड़ा चौक है वहां पर कल दो सांड के बीच में लड़ाई हो रही थी, और वहां से एक व्यक्ति निकल रहा था स्कूटी पे, उसको भी सांडों ने अपनी चपेट में ले लिया। वो जो व्यक्ति था वो फोटोग्राफर था, और मैं आपको बता देता हूँ कि उसकी सर फट गया उस व्यक्ति का, और उसकी मौत हो गई जैसे ही हॉस्पिटल में गया। केक काट कर मनाया श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार। मैं आपको बता देता हूँ, सतीश खोल है जो भाजपा के व्यावसायिक प्रकोष्ठ हैं और सब प्रदेश संयोजक भी है सतीश कोला, उन्होंने सेक्टर 1 स्थित अपने कार्यकाल में केक काटकर भगवान श्री कृष्ण जी का जन्माष्टमी जो पर्व है वो मनाया है। ठीक है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, मास्क लगा के हुए। छवा में 343.50 लाख में बनेगा चलकर। मैं आपको बता देता हूँ, छवा जो जगह है वहाँ पर लक्ष्मण सिंह विधायक ने मुख्यमंत्री ला प्रदेश में जो एक समान विकास का लक्ष्य चल रहा था उसके जो चलते हुए, मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि छपवा में 343.50 लाख में एक जलघर बनाया जाएगा जल्द से जल्द। इसके बाद बिहारीपुर गांव में हादसे में एक की जान गई। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो खबर है, बिहारीपुर गांव, यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली था जिसने एक बाइक बाइक सवार के साथ जिसकी टक्कर हो गई थी, और जो बाइक सवार था उसकी जान चली गई थी, तो एक की मौत भी हो गई थी इसके कारण। ठीक है, कोहरड़ से 20 साल की युवती लापता। मैं आपको बता देता हूँ कि जो कोसली में एक जगह का नाम है कोहरड़, आपने सभी सुना होगा, वहाँ से एक 20 वर्षीय युवती लापता हो गई है। जो यहाँ पर जो भी पुलिस चौकी में रिपोर्ट लिखवाने गए थे उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति है नाहड़ पुलिस चौकी में एक व्यक्ति ने लिखवाया कि उसकी 20 वर्षीय भतीजी गुमशुदा हो गई है, और उसकी शिकायत दर्ज कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ, उसने ये भी कहा कि कृष्ण कुमार ने, गांव के जो कृष्ण कुमार नानू, उन्होंने जो बताया है कि मेरी मतलब अपनी भतीजी के बारे में कि उनकी जो भतीजी है वो 5-6 दिन पहले उनके घर पर आई थी और रह रही थी, और सोमवार को शाम को 6 बजे बिना बताए घर से चली गई, और उसके बाद वापस नहीं लौटी है। तो इसके लिए उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी है, पुलिस जाँच में जुट गई है। इसके बाद बनीपुर चौक पर नहीं भरना चाहिए पानी। मैं आपको बता देता हूँ, जो अपने SDM रेवाड़ी के, उन्होंने ये कहा कि बनीपुर चौक पर जो पानी जमा होता है वो नहीं होना चाहिए, और जितने भी विभाग है जिन जो जल के जो भी, उनको बता दिया गया कि फटाफट इसका निपटारण किया जाए। ठीक है, और जो क्योंकि इससे काफ़ी जाम भी लग रहा है वहाँ पर, और काफ़ी लोगों को परेशानियाँ भी हो रही है। तो ऐसी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा है कि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।